हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। कॉलेज सिस्टम की सीरीज चल रही है जिसमें आप सभी का स्वागत है। कॉलेज सिस्टम वाइट्स की ओर से बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग है, बहुत ही स्ट्रांग ओपनिंग है, बहुत मजा आता है वाइट्स से खेलने में। मैं खुद ही कॉलेज सिस्टम ज्यादा खेलता हूँ। लास्ट टाइम हमने देखे थे कुछ वेरिएशन, c4 ब्लैक्स हैंगिंग पॉन, ब्लैक एक्सचेंज ऑन d4, ब्लैक डिले कैसलिंग, प्लान बेस्ड नाइट e4, ये सारे टॉपिक के मैंने डिस्कस कर दिए है। आज हम देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑन c4 और क्वाइट प्लेस क्वीन c7। आज ये दोनों टॉपिक में आपको बताऊंगा। एक्सचेंज ऑन c4, ओके, ये सारे वेरिएशन बिशप d6 वाले हैं। बिशप e7 में अलग होगा और व्हाइट प्लेस d4। और दोस्तों यहाँ पे जो सारे मूव्स है, टोटल कितने मूव्स है, 7 मूव। 7 मूव में ये पोजीशन आ जाएगी, ये आपको एकदम याद रह जाएगी। नाइट f3, nf6, आप इसे चाहे मूव ऑर्डर चेंज कर दो, e6, बिशप d3, ब्लैक प्लेस c5, समटाइम्स b3, यहाँ पे b3 जरूरी है जब भी c5 आता है तो। नाइट c6 या बिशप d6 मूव ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमें कैसल करना होता है, नाइट c6, यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप b2 और क्वीन c7, सॉरी यहाँ पे कैसलिंग, और वाइट प्लेस नाइट e5, क्वीन c7 एंड f4। तो ये f4 वाला मूव जो है यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, एकदम क्लासिकल वेरिएशन। तो ये स्ट्रक्चर पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। इसके बाद ब्लैक के पास क्या क्या रिप्लाई होते हैं, लाइक बिशप d7, नाइट c3 को रोकने के लिए a6, और दूसरा है नाइट टू b4। अब तीनों के बारे में आपको जो डिटेल चाहिए वो मेरे इससे पहले वाली सीरीज में हो चुके हैं। अब आज जो देखने वाले हैं, प्लान बेस ब्लैक प्लेस क्वीन c7, प्लान बेस ब्लैक प्लेस क्वीन c7, प्लान बेस क्वीन c7, उसमें क्या होता है, d4 nf6, नाइट f3, d5, e3, ब्लैक प्लेस e6। ये क्लासिकल जैसा ही है, थोड़ा ही डिफरेंस है इसमें। आपको कोई कोई मूव में अलर्ट रहना है, जो मैंने हर बार बताता रहता हूँ मैं कि कब क्या करना है। ब्लैक अगर पहले क्वीन c7 करता है तो क्या होगा, यहाँ पे हम कैसल करते हैं और बिशप d6। देखो ये पूरी सीरीज में मैंने सभी वीडियो में बिशप d6, नाइट c6 को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। ये दोनों पीस हर बार आते हैं अपनी गेम में, जो भी चेंजिंग होता है, कभी कभी कैसल पहले होता है, कभी कभी क्वीन c7 उसके बाद में कैसल होता है, तो सभी गेम में डिफरेंट होता है। कभी कभी पॉन एक्सचेंज होने के बाद क्वीन c7 आता है। तो ये सारी डिस्कस हम कर चुके हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे 7th मूव में bd6 के बाद हम bb2 करते हैं, ब्लैक कैसल करता है, और यहाँ पे क्वीन c7 आने वाला है तो हम पहले से नाइट e5 खेलते हैं। ये एज यूजुअल मूव है। अब ब्लैक यहाँ पे क्वीन c7 खेलेगा और इसका रिप्लाई एक ही होता है, बेस्ट f4। अब यहाँ पे 9th मूव में c into d4, ब्लैक का पॉन एक्सचेंज करता है, तो पॉन टेक्स पॉन, उसके बाद b6, क्योंकि ये बिशप ये लाइन में बिल्कुल बेकार रहेगा, कोई काम का नहीं, तो बिशप b7 के लिए b6 तो जरूरी है। तो मूव नंबर हो गया दोस्तों 10। 10th मूव में ब्लैक b6 करता है। अब आपको नाइट b5 आने से अब आपको स्टॉप करना है, अब उसे अलाउ नहीं करना है। यहां देखिए, जब 10 मूव तक अगर नाइट b5 नहीं खेलता है नाइट b4, तो आप अब उसे आराम से रोक सकते हैं a3 के बाद, क्योंकि आपको एक मूव मिल रहा है bb7 का, और यहां पे आपको खेलना है नाइट d2। ये स्ट्रक्चर
से आप काफी हद तक अच्छी तरह से गेम खेल सकते हो, क्योंकि अब C3 को बिशप का प्रोटेक्शन लास्ट तक रहता है। नाइट E4 स्टॉप कर दिया आपने क्योंकि नाइट D2 खेल दिया है। उसके बाद आप रुक C1, C4 ये सब आइडिया कर सकते हो। चलिए अब क्वाइट प्ले Qe7, जो क्वीन C7 था उसके बदले Qe7 थोड़ा सा चेंजिंग। कैसलिंग बिशप D6, नाइट BB2, ब्लैक कैसल नाइट E5। बस ये 8 मूव में जो ब्लैक क्वीन C7 के बदले क्वीन E7 खेलता है तो प्लानिंग अलग हो जाएगा, क्योंकि अब ब्लैक का आइडिया है बिशप A3 का, मतलब जो आपका बिशप है स्ट्रॉन्ग उसको एक्सचेंज के लिए। तो यहां पे आपको पहले से A3 करना है। ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट D7 आपके स्ट्रॉन्ग नाइट को अटैक करने के लिए, तो इसका बेस्ट चॉइस है आपका F4, यहां पे F5, F6 थोड़ा सा ब्लंडर है। F6 क्यों ब्लंडर है, यहां पे आप वीडियो पॉज करके अपना मूव ढूंढिए, मैं बताऊंगा। यहां पे व्हाइट खेलेगा क्वीन टू H5, आइडिया बिशप टेक्स H7 चेक डिस्कवर चेक मेट। तो F6 के बदले ब्लैक को F5 खेलना पड़ेगा, और यहां पे रुक F3, ब्लैक खेलेगा वापस नाइट F6 और रुक टू H3। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर ये भी व्हाइट की फेवर में है। पोले सिस्टम में ज्यादा वीडियो आपको सेम जैसे लगेंगी, क्योंकि मैं 8 मूव 7 मूव तक तो सेम मूव करता हूं, तो चेंजिंग जो है वो आपको डीपली बता रहा हूं आगे के मूव से। जैसे आप लोग वर्ल्ड चैंपियन जो अभी रिसेंटली डी गुकेश वो कैंडिडेट्स में आप सभी को पता है कि ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, चैंपियन बन गया है, डिंग लिरेन को चैलेंज करेगा, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सबसे यंगेस्ट बॉय डी गुकेश खेलेगा। अब ये सारे प्लेयर इतने आगे क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, पता है आपको, इन लोगों की सिस्टम क्या होती है चेस की। तो सबसे पहले ये लोग 7 से 8 घंटा देते हैं चेस में, पर डे 8 आवर्स, पूरा शेड्यूल इतना टाइट रहता है बचपन से, 5 इयर्स से 4 इयर्स से, कि चेस 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 पूरे दिन भर चेस। इनको पढ़ने की जितनी ज्यादा तीव्रता नहीं होती उतनी चेस में लोग सीरियसनेस देते हैं। हालांकि चेस प्लेयर ऑलरेडी पढ़ने में अव्वल नंबर ही लाते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, इसका सबसे फायदा ये है। तो ये लोग की जो प्रिपरेशन होती है ये 7-8 मूव तक तो पता ही है उनको, उतने तो मूव हो ही जाने वाले हैं। आप कोई भी ब्लिज गेम देखोगे दोस्तों, तो नाकामुरा है ब्लिज में बहुत ही मास्टर है, उन लोगों की गेम आप देखोगे वीडियो में यूट्यूब में, वो 3 मिनट की गेम खेलते, बुलेट भी खेलते 1 मिनट की, तो पहले 7-8 मूव तो फट 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 खेल देते हैं। क्यों, कि उनका प्रिपरेशन 8 मूव तक का सभी ओपनिंग में रहता है, सभी ओपनिंग में, ना कि सिर्फ कॉलेज सिस्टम या फिर लंदन सिस्टम या फिर किंग्स इंडियन, कोई एक ओपनिंग में नहीं, उनकी मास्टरी ऑल ओपनिंग में होती है, सभी ओपनिंग में। आप नींद में से जगा के कोई भी ओपनिंग खेलो एकदम तैयार रहते हैं, तो आपकी ओपनिंग इतनी तैयारी के साथ होनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं आपको 8 मूव के बाद के मूव्स बता रहा हूं, 8 मूव के बाद क्या करना है ये इनके गेम में गेम प्लान रहता है। चलिए अभी हम टॉपिक पे आते हैं, क्लासिकल वेरिएशन चैप्टर 2, दूसरा चैप्टर आज शुरू भी कर रहा हूं, जिसका नाम है क्लासिकल वेरिएशन। क्लासिकल वेरिएशन का मतलब है बिशप E7 नॉट बिशप D6। सभी लाइन में हमने बिशप D6 देखा, अब आता है बिशप E7, ब्लैक अलाउज नाइट E5। पहला जो टॉपिक है ब्लैक नाइट E5 को अलाउ करता है, जिसमें 2 लाइन है, ब्लैक प्लेज नाइट BD7 और ब्लैक प्लेज नाइट C6, दोनों में डिफरेंट मूव है। D4 नाइट F6, देखो इसमें भी ज्यादा चेंजिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरुआत के जो मूव है क्लासिकल कहो या रेगुलर कहो,
इसमें आपके मूव्स, अब आप बोलोगे कि इतने मूव्स तो मुझे पक्के आ गए क्योंकि सर ने डेली इतने मूव्स कर दिए हैं, इसीलिए इस लाइन में खेलने का मजा आता है, क्योंकि हम A7 8 मूव तक तो बिल्कुल सामने वाले को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब देखो यहां पे मैं खेल रहा हूं Nb d7, ये क्या हुआ अभी, व्हाइट को एक तो कैसलिंग की तैयारी, Bb2 रेडी है, जगह हो गई, इतने मूव्स आप कर लोगे आराम से बिना मतलब प्रिपरेशन के। यहां से देखना है, अभी तक हमने देखा कि Nc6, मैं दूसरा लाइन बताऊंगा Nb d7, पहले दिखाऊंगा आपको Nb d7। यहां आपको करना है कैसल, आपके मूव तो चेंज हुए नहीं, सिर्फ ब्लैक के मूव चेंज हो रहे हैं। यहां पे ब्लैक ने Bb7 खेला, देखो d6 नहीं खेला, बहुत सारे लोग खेलते हैं गेम में क्योंकि उनका प्रिपरेशन e7 से है, हमारे मूव तो सेम ही है, देखो कोई चेंजिंग है दोस्तों। सेवंथ मूव Bb2 ब्लैक ने कर दिया कैसल, अब इसमें आपको कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, क्योंकि Bb2 कैसल ये सारे मूव तो हमारे आ गए, ब्लैक ने चाहे Nb d7 किया या फिर Bd6 किया। अब पहले हमने देखा था ब्लैक का नाइट c6 पे, Bd6 पे दोनों रहते थे, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली हमने कर दिया। अब यहाँ नाइट c6 तो है नहीं दोस्तों, तो नाइट b3 b4 के पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे आपको नाइट Bd2 करना है। नाइट Bd2 इसलिए कि ब्लैक लाइट स्क्वायर बिशप ओपन नहीं है, तो नाइट e4 पहले से ही स्टॉप हो गया। अब ब्लैक b6 करेगा, नाइट e5, देखो यहां पे मैंने बताया कि ब्लैक ने इस टॉपिक में हमने डिस्कस क्या कर रहे हैं कि व्हाइट का नाइट e5 अलाउ कर रहा है ब्लैक, नाइट e5 बिशप b7। दोस्तों कई बार कुछ लोग मिस्टेक करते हैं जो दिखने में बहुत ही छोटी है, 95 आने के बाद मान लो कि किसी ने h6 या ऐसा कोई वाहियात मूव किया, तो आपको नाइट c6 फोर्क देके ये उसका डार्क स्क्वायर बिशप ले लेना है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो Bb7 जरूरी है, अब नाइट c6 रोक देगा, यहां आपको करना है f4, उसके बाद ब्लैक खेलेगा नाइट e4। अब दोस्तों देखो पोजीशन में कब नाइट को मारना है, इस पोजीशन में बहुत सारे लोग कहेंगे कि e4 पे नाइट मारना डेंजर होता है, जैसे e5 पे व्हाइट का नाइट मारना डेंजर होता है, अच्छा नहीं रहता है पोजीशन में। लेकिन मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा नाइट टेक्स e4, यहां आप नाइट मार दीजिए, क्योंकि ध्यान रहे नाइट ना तो c6 पे है, नाइट d7 पे है, बिशप ना तो d6 पे है, बिशप e7 पे है। अब इसे फोर्स मूव होगा पॉन टेक्स नाइट, उसके बाद आपका बिशप आएगा c4 पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जोरदार स्ट्रक्चर में आता है। अब ब्लैक नाइट e5 करेगा क्योंकि नाइट f7 कभी भी आएगा और उसके लिए खतरा होगा, नाइट e5 fe5 और उसके बाद बहुत सारी गेम्स इसमें व्हाइट ने विन किया है, आप डेटाबेस में देख लेना ये चेक। ओके, दूसरा टॉपिक जो है इसी में नाइट c6, यहां पे हम देखेंगे नाइट bd7 के बदले ब्लैक यहां नाइट c6 करता है, तो यहां आपको कैसल, देखो मूव आपके चेंज नहीं हो रहे इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, Bb7 यहां आप खेलोगे Bb2, ब्लैक करेगा कैसल Nbd2 b6, देखो क्या चेंजिंग हुआ इसमें, नाइट e5 और Bb7 और यहाँ f4। देखो इतने मूव हो गए दोस्तों, कितने मूव हो गए, 10th मूव व्हाइट का f4। आपको कुछ भी लगता है कि इसमें व्हाइट में मैंने कोई भी अलग मूव बताया है,
इतने मूव्स रूटिंग, 10 मूव आप रट्टा मार लो, बहुत सारी लाइन में आ जाएंगे। देखो अब यहाँ पे नाइट बी फोर, इस पोजीशन में नाइट बी फोर आ रहा है, तो नाइट टेक्स बिशप की थ्रेट है, जो पॉन डबल होने वाला है। यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, इसे होने देना है, और आप प्लान बेस रुक एफ थ्री खेल सकते, क्यों कि आफ्टर नाइट टेक्स डी थ्री, सी टेक्स डी थ्री, और नाइट जो ई फोर आने वाला है वो स्टॉक हो गया, और सेंटर आपका स्ट्रांग हो गया। कभी भी ये पॉन को आप एक्सचेंज करके डबल पॉन को सिंगल भी कर सकते हो, और उसके बाद रुक एच थ्री, क्वीन एच फाइव, नाइट जी फोर, बहुत सारे अटैकिंग टैक्टिकल मूव्स आपको मिल जाएंगे गेम में। तो ये पोजीशन बना के गेम खेलना आपकी जवाबदारी। गेम खेलने के बाद हमेशा एनालिसिस करिए, और आपकी गेम में अगर आपने गेम लॉस किया है तो कहाँ पे मिस्टेक किया है ये भी देख लीजिए। तो ऑलवेज खुद की गेम को एनालिसिस करते रहिए, क्लासिकल गेम खेलिए या रैपिड खेलिए, लेकिन ब्लिज बुलेट में कभी ओपनिंग की प्रिपरेशन नहीं करनी। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे इसके बाद के वीडियो में, ब्लैक डिले BB7 के टॉपिक में। डिले BB7 मतलब इतने सारे मूव्स मैंने बता दिए, पर बिशप जो B7 पे आ रहा है, बिशप B7, उसमें अगर ब्लैक डिले करता है तो उसका फायदा आप कैसे ले सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, मूव बाय मूव सारा कॉलेज सिस्टम आपको मैं रेडी करवा दूंगा। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।